मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए कमीज की कटिंग कैसे होगी। मैं कपड़ा ले ली हूँ, अब ये सीधा, अब इसको उल्टे के साथ इसको डबल फोल्ड में बिछा देना है। अब इसको डबल फोल्ड में मैं बिछा ली हूँ पीछे उल्टे के साइड। अब इसमें मैं तीरा ले रही हूँ, तीरा मैं ले रही हूँ इसमें 6.5 इंच। हारमोन मैं ले रही इसमें 7 इंच। सीना मैं इसमें ले रहे हैं 9.5 इंच। अब यहाँ पे मार्का कर देना है ऊपर से। कमर के लिए मैं ले रही हूँ 13 इंच। हिप के लिए मैं ले रही हूँ 20 इंच। अब 13 इंच पे इसको भी सीधा मार्का कर देना है। हिप पे भी सीधा इसको मार्का कर देना है। कमर का 4/4 हिस्सा मैं ले रही हूँ इसमें। कमर है 16 मैं 8 इंच ले रही हूँ डबल में। अब यहाँ पर मार्का कर देना है। हिप मैं यहाँ पे ले रहे हैं 9.5 इंच। अब नीचे का घेरा मैं इसमें ले रही हूँ 20 इंच। 10 इंच पे मैं मार्का लगा रही हूँ डबल में। फिर इसको भी सीधा मार्का कर देना है। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मैं तुरपाई वाला बनाऊंगी। मैं सारा सूट तुरपाई वाला ही बनाती हूँ। अब यहाँ पे इसको मार्का कर देना है। अब यहाँ से लाना है इसको कमर तक। यहाँ से ऐसे इसको हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे मिला देना है। फिर 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे फ्रंट में 1/2 इंच, अब 1/2 इंच यहाँ पे डाउन कर देना है। अब यहाँ हारमोन की गोलाई बना देना है। गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। गले की लंबाई मैं इसमें ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है। अब यहाँ मैं इसमें 20 शेप बना रही हूँ। आप चाहते तो इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है आगे वाले पार्ट को। अब यहाँ से इसको हल्का सा डाउन कर देना है। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको साइड में कर देना है। और जो बचा हुआ कपड़ा है इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। अब इसके ऊपर आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कम हल्का सा। अब यहाँ इसको बिछा देना है सेंटर से। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है नीचे के साइड। यहाँ पे तो लैसे दिया नीचे, यहाँ पे फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। अब इसके आगे वाले पार्ट को रख के पीछे वाले पार्ट को कटिंग कर देना है। अब इसके ऊपर इसको बिछा लेना है और दूसरे पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। पीछे वाले पार्ट को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको साइड में कर देना है। एक कुटका यहाँ पे लगा देना है, एक कुटका यहाँ लगा देना है, एक कुटका हिप पे लगा देना है। पीछे वाले गले की कटिंग कर लेना है। पीछे वाले गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, लंबाई मैं ले रही हूँ 6 इंच। अब यहाँ एक बॉक्स बना देना है। अब यहाँ मैं पीछे के साइड फूल गला बनाऊंगी। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है।
पीछे वाले गले की कटिंग हो गई है, आगे वाले देखते बकरम पे गला बनाऊंगी। लेना है नीचे लंबाई जहाँ पूरे यहाँ से इसको, अब इसको हारमोल की गोलाई चेक कर लेना कितना है। अब यहाँ पे इंची टेप रखना है, मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 9 इंच। अब इसको साइड में कर देना है और बाजू की कटिंग करना है। ये जो बचा हुआ कपड़ा इसमें से बाजू की कटिंग करना है। अब इसको पहले 2 फोल्ड में मैं बिछा ले रही हूँ। फिर इसको ये 4 फोल्ड में, इसकी चौड़ाई टोटल 9 इंच है। अब यहाँ से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ से मैं इसको 3 इंच पे मार्कर लगा रही हूँ। टोटल बाजू की लंबाई मैं यहाँ पे बनाऊंगी 18 इंच। तो इसमें मैं 2 इंच प्लस ले रही हूँ फोल्ड के लिए। अब यहाँ से मोहड़ी के लिए मैं ले रही हूँ 5 इंच। अब यहाँ पे इंची टेप रखना, देखना है। अब यहाँ पे इंची टेप रखना और देखना हारमोल की गोलाई का मेजरमेंट कितना है। मेरे 9 इंच था तो यहाँ 9 इंच पे मार्कर कर देना है और यहाँ से हल्के हल्के हाथ से इसमें गोलाई बना देना है। और यहाँ पे इंची टेप रखना है और ऐसे इसको तिरछा यहाँ पे मार्कर लगा देना है। और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और 1/2 इंच यहाँ पे डाउन कर देना अंदर के साइड। अब इसको जैसे मार्कर लगा ऐसे इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पे एक फोल्ड के लिए यहाँ पे कुटका लगा देना है, एक हारमोल यहाँ कुटका लगा देना है और यहाँ अब बाजू की कटिंग हो गई है। अब सूट की भी कटिंग हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।